आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय छः। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय छः। हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते और उन पर जो सामरिया के पर्वत पर निश्चित रहते हैं और श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध है, जिनके पास इसराइल का घराना आता है। कलने नगर को जाकर देखो और वहां से हमात नाम बड़े नगर को चलो, फिर पलिश्तियों के गत नगर को जाओ। क्या वे इन राज्यों से उत्तम है? क्या उनका देश तुम्हारे देश से कुछ बड़ा है? तुम तो बुरे दिन की चिंता को दूर कर देते और उपद्रव की गद्दी को निकट ले आते हो। तुम हाथी दांत के पलंगों पर लेटते और अपने अपने बिछौने पर पाव फैलाए सोते हो, और भेड़ बकरियों में से मेमने और गौशालाओं में से बछड़े खाते हो, और सारंगी के साथ गीत गाते और दाऊद की नाई भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो, और कटोरों में से दाख मधु पीते और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो। परंतु यूसुफियों पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते, इस कारण वे अब बंधुआई में पहले ही जाएंगे, और जो पाव फैलाए सोते थे उनकी धूम जाती रहेगी। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है कि परमेश्वर यहोवा ने अपनी ही शपथ खाकर कहा है कि जिस पर याकूब घमंड करता है उससे मैं घृणा और उसके राजभवनों से बैर रखता हूं, और मैं इस नगर को उस सब समेत जो उसमें है शत्रु के वश में कर दूंगा, और चाहे किसी घर में 10 पुरुष बचे रहे तो भी वे मर जाएंगे, और जब किसी का चचा और उसका फूकने वाला होगा उसकी हड्डियों को घर से निकालने के लिए उठाएगा, और जो घर के कोने में पड़ा हो उससे कहेगा कि क्या तेरे पास और कोई है, और वह कहेगा कि कोई नहीं, तब वह कहेगा कि चुप रह, क्योंकि यहोवा का नाम लेना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा की आज्ञा से बड़े घर में छेद और छोटे घर में दरार होगी। क्या घोड़े चट्टान पर दौड़े? क्या कोई ऐसे स्थान में बैलों से जोते जहां तुम लोगों ने न्याय को विष से और धर्म के फल को कड़वे फल से बदल डाला है? तुम ऐसी वस्तु के कारण जो निरी निर्मूल है आनंद करते हो और कहते हो कि क्या हम अपने ही यत्न से सामर्थी नहीं हो गए? इस कारण सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि हे इस्राएल के घराने, देख मैं तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसी जाति खड़ी करूंगा जो हमात की घाटी से लेकर अरावा की नदी तक तुमको संकट में डालेगी।